तो ऑल आईटी जॉब्स इंफॉर्मेशन सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी सर्विस डेस्क प्रोफाइल की, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की, या डेस्कटॉप सपोर्ट L1 L2 या टेक्निकल सपोर्ट कर लो या आप आईटी सपोर्ट कर लो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, फ्यूचर करियर स्कोप के बारे में एंड सैलरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको सर्विस डेस्क प्रोफाइल लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जो सर्विस डेस्क की टिकट क्रिएट कर असाइन होती हैं, बेसिकली वो डेस्कटॉप सपोर्ट के इंजीनियर को असाइन होती हैं, HD का पर्सन करता है या सर्विस डेस्क का पर्सन करता है या टेक्निकल सपोर्ट को असाइन करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको अगर एक आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। अगर आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट है तो आपको हार्डवेयर देखना है, एप्लीकेशन सपोर्ट है एप्लीकेशन देखना है, या बेसिक नेटवर्किंग का अगर है तो आपको बेसिक नेटवर्किंग देखना है। एंड मैं बात करूँ आपको मिड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे 1,000 2,000 5,000 एम्प्लॉय हैं या जहाँ पे 100 200 500 एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि अगर आप एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आपको ये तीनों चीज़ें कंबाइंड देखनी पड़ जाती हैं। हार्डवेयर सपोर्ट भी आप ही वहाँ पे देख रहे होते हो, एप्लीकेशन सपोर्ट भी आप ही देख रहे होते हो, और बेसिक नेटवर्क सपोर्ट भी आप ही देख रहे होते हो। तो अब जैसे कि कुछ मैं पार्ट्स बता देता हूँ उसके, जैसे कि किसी का हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, किसी का एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, या किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, या किसी का कोई पार्ट चेंज करना है हार्डवेयर में, चाहे रैम हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, जो पेरिफेरल्स होते हैं बेसिकली हार्डवेयर में, एंड आपको प्रिंटर्स देखने पड़ेंगे, बेसिक नेटवर्किंग आपको देखनी पड़ेगी, ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करने पड़ते हैं आपको कंप्यूटर लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, जैसे कि आपने BTech किया है या BCA किया है या BSc IT से किया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए डे टू डे टास्क करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो गया, ड्राइवर इंस्टॉल करना हो गया, ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया, तो ये बस नॉर्मल वही होता है। लेकिन द थिंग कि जब आप किसी MNC कंपनी में जाते हो, किसी भी MNC कंपनी में आप जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो यूजर्स होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 लाख 4 लाख। तो उस केस में ये डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के पर्सन आपको मिलते हैं तो जॉब लेना आपके लिए एक इजी टास्क बन जाता है, आपको जल्दी जॉब मिल जाता है। बस बेसिक होता है, आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, अराउंड आपका 30-40% एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट में जाने के लिए। एंड अब आपको लगता होगा कि बेसिक प्रोफाइल या बेसिक चीज़ों के लिए कंपनी जॉब क्यों देती है, तो वहाँ पे हर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, HR हो गया, या और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो, तो उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपना KRA करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वो करेंगे, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल करने बैठेंगे। तो इस वजह से वहाँ पे IT के पर्सन्स होते हैं और उनको एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूचर की, तो आप 2-4-5 साल 7 साल जब आप काम कर लोगे तो अराउंड आप 40-50 हज़ार 60 हज़ार की सैलरी पे पहुँचोगे। एंड जैसे ही इसमें आप मैनेजमेंट लेवल पे मूव होते हो, आप टेक्निकल लीड बनते हो, आप मैनेजर बनते हो IT में, तो जाके आपका एक अच्छा खासा पैकेज होता है, 10-12-15 लाख के आसपास आपका इजीली पैकेज हो जाता है। बट आपकी सैलरी आपके कंपनी पे भी डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप ये 100% श्योर मत समझो। किसी को मैंने इवन कैंडिडेट्स को ये देखा कि उनको 7-8 साल का भी इवन एक्सपीरियंस है, तब भी वो 30-35 हज़ार की जॉब कर रहे हैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट, बिकॉज ऑफ रीजन कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और सीखा नहीं, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, इस वजह से वो आज भी, या हो सकता है उन्होंने कंपनी स्विच ना करी हो, एक ही कंपनी में आप करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 7-8 साल में भी 30-35 तक ही मैक्सिमम पहुंच पाओगे। तो आपको कंपनी भी स्विच करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, एंड मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेस होते हैं ITIL वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं, वो भी आपको प्रेफर करने पड़ते हैं, या वो भी आपको करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये हो गया एक डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट IT सपोर्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा एक नेटवर्किंग के बारे में IT जॉब्स इंफॉर्मेशन की सीरीज में। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मेरा नाम है शुभम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।